नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा के अंतर्गत काव्य खंड में प्राचीन कवि तुलसीदास जी को मिला। तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम और पद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। आज हम बेटा भरत राम का प्रेम का जो दूसरा छंद है उसकी व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ उस छंद से संबंधित जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं उनको भी करेंगे। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले बेटा आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये भी कि बेटा जैसे कि कहा जा सकता है कि अगर आप भाग नहीं सकते तो चलिए और चल नहीं सकते तो रेंगिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर आप 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो 2 घंटे पढ़िए, और 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 घंटा पढ़िए, लेकिन मन लगाकर पढ़िए। तो यकीन मानिए अगर आप 1 घंटे भी मन लगाकर पढ़ते हैं ना तो 5 घंटे बुक को लेकर सामने रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि बेटा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपना भरत राम का प्रेम का दूसरा छंद। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से भरत राम का प्रेम का यह बेटा दूसरा छंद है। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिस पारा। भरत जी कहते हैं कि विधाता मेरे प्रति राम का दुलार सह ना सका, अर्थात उसे मुझसे मिलने वाले लाड प्यार से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसने इस प्रेम में माता की नीचता के बहाने व्यवधान डाल दिया। दूसरी पंक्ति देखिए, यहु कहत मुहि आजु न शोभा, अपनी समूची साधु सुचि को भा। अब भरत जी कहते हैं कि मुझे यह कहते हुए भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन सज्जन और पवित्र नहीं हुआ है, अर्थात हर कोई अपने आप को सज्जन और पवित्र मानता है, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति ही बता सकता है कि वह कितना साधु और पवित्र है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। भरत जी कहते हैं कि मेरी माता नीच है और मैं सुचाली, सुचाली का मतलब सदाचारी हूँ, सज्जन हूँ, ऐसा हृदय में विचार लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। अगर मेरी माता नीच है तो मैं भी साधु या सज्जन नहीं हो सकता। फरा की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। वो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं जैसे कोदो, कोदो का मतलब होता है बेटा मोटा चावल या फिर एक निम्न स्तरीय अनाज, और सुसाली का मतलब होता है धान, मुक्ता का मतलब होता है मोती और संबुक का मतलब होता है घोगा। तो भरत जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोदो यानी जो निम्न स्तरीय अनाज है, मोटा अनाज है, उसकी बाली में से उत्तम धान उत्पन्न हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता, या फिर काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार यदि मेरी माता नीच है तो मैं साधु या सज्जन नहीं हो सकता। सपनेहु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उद्धि अवगाहू। उद्धि का मतलब होता है सागर। भरत जी कहते हैं, अपने आप को धिक्कारते हुए कहते हैं कि मेरे इस दुर्भाग्य के लिए मैं स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ही अथा समुद्र के समान है, ये मेरा ही दुर्भाग्य है। बिनु समूझे निज अग परिपाकु, जारियु जाए जन ही कही की काकू। अब भरत जी कहते हैं कि मैंने अपने अग का मतलब होता है बेटा पाप, कि मैंने अपने पापों के परिणाम पर ध्यान दिए बिना ही अपनी माता को कठोर और कटु वचन कहकर उन्हें व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेरी हारेहु सब पोरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा।
भरत जी कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में सब और खोज कर मैं हार गया हूँ, अपने हृदय में मैंने सब और खोजा और मैं हार गया हूँ, अर्थात मुझे मेरी भलाई का कोई रास्ता नहीं सूझता है। अब एक ही भांति बिले ही भल मोरा, अब एक ही तरह से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामू। नीक का मतलब होता है बेटा सही। अब भरत जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु महाराज, ठीक है, और जो मेरे सीताराम मेरे स्वामी हैं, इसी कारण मुझे सुखद परिणाम जान पड़ता है, अर्थात कि बस इन्हीं के द्वारा ही मेरा भला हो सकता है। अब नीचे देखिए बेटा, दोहा दिया हुआ है, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फूट, जानी मुनि रघुराव। अब इस दोहे में भरत जी कहते हैं कि साधुओं की सभा में गुरु और स्वामी के निकट मैं इस पावन स्थल पर ये सत्य भाव से कहता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सच्चा प्रेम है या फिर छल कपट है, मेरी बातें झूठ है या सच है, ये बात केवल मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और मेरे जो स्वामी हैं श्री राम जी वही जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आपने इसको कितना समझा। पहला प्रश्न, पद के अनुसार विधाता ने किसके बहाने राम और भरत के बीच दूरी उत्पन्न कर दी? सीता, कौशल्या, केकई, उर्मिला। तो सही जवाब है इसका केकई। दूसरा प्रश्न, भरत राम का प्रेम कौन सहन नहीं कर सका? केकई, विधाता, दशरथ या फिर सीता? तो सही जवाब है बेटा विधाता। तीसरा प्रश्न, भरत का दुर्भाग्य किसके समान बताया गया है? चांद के समान, आकाश के समान, अथवा सागर के समान या फिर संपूर्ण सृष्टि के समान? तो सही जवाब है अथा सागर के समान। चौथा प्रश्न, भरत राम का वार्तालाप किस स्थान पर हुआ? अयोध्या, चित्रकूट, काशी, किष्किंधा? तो सही जवाब है बेटा चित्रकूट। भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट गए थे। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है? करुण रस, वात्सल्य रस, रोद्र रस या फिर श्रृंगार रस? तो सही जवाब है बेटा पूरे काव्यांश में हमें करुण रस नजर आता है। छठा प्रश्न, मन में कौन सा भाव लाना करोड़ों दुराचारों के समान है? दूसरों का अपमान करना, दूसरों का हक मारना, माता को नीच और स्वयं को सदाचारी मानना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा माता को नीच और स्वयं को सदाचारी मानना। सातवां प्रश्न, भरत ने अपनी माता कैकेयी के हृदय को किस तरह दुखी किया? कटु वचन कहकर, दंड देकर, कैकेयी की प्रशंसा करके या फिर उन्हें महल से निकालकर? तो सही जवाब है कटु वचन कहकर। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधि, मैथिली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा अवधि। नौवां प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास? तो सही जवाब है तुलसीदास। दसवां प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश कहाँ से लिया गया है? दोहावली, सूरसागर, रामचरितमानस या फिर गीतावली से?
तो सही जवाब है बेटा रामचरितमानस। तो बेटा कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं और इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। धन्यवाद।